मोटरसाइकिल से और मुंडे हमारी बेटी की वो केनाल खींच के बैठा के लेके भाग गई थी। सारी रात हमारे बेटी के मोटर पर रखें जी। उसके बाद में पता नहीं कहाँ लेके गए जी हमारी बेटी को। फिर हमारी बेटी 1 बजे हमारे पास में पहुँची। हाँ जी, उसके बाद में पुलिस के हवाले में अपनी बेटी कह दिया। हाँ जी, हमारी बेटी चाहे इंसाफ मिले जाए, हमारे हमारी गरीब बंदे की सुनाई नहीं होते वीर जी, हम तो गरीब बंदा है जी। परसों की बात है कि परसों हमारी बेटी गायब होगी जी, परसों गायब होगी, कल 1 बजे हमारे पास में आएगी हमारी बेटी जी। हम परसों गायब ही पुलिस वाले को फ़ोन किया, पुलिस वाले का था तुझे इतनी बला मत आओ, कोई है नहीं चौकी पर, तुझे सुबह आना था। वो अमन नाम का लड़का रहा, वो किया जी। अमन नाम हमारे लड़की का कपड़ा ख़राब होगा, वो हमारी लड़की का कपड़ा पता नहीं कहाँ फेंक के, जो अमन के कपड़ा अपना डाले रहा वो हमारी बेटी का कपड़ा पहना दी। सुरक्षा नूं लैके पंजाब दे विच रोजाना वापर रहियां घटनावां ने सरकार दी कारगुजारी ते अनेका सवाल खड़े कर दिते ने। कदे किसे ते गोलियां चलाईयां जांदियां ने अते कदे लड़कियां ते नाल बलात्कार हो रही है। हुण मामला नाभा तों सामने आया जिथे 2 लड़कियां घरों दही लैण दे लई गईयां सी, जिस दे विच इक 14 साल नाबालिग लड़की मौजूद सी, जिसनूं 2 लड़कियां वल्लों धक्केशाही दे नाल मोटरसाइकिल ते चुक के खेतां विच लै जाया गया, जिथे सारी रात उस दे नाल बलात्कार हुआ है। इस मामले दी पीड़ित परिवार ने सारी हड़बीती सुनाई है, आओ जानते हैं। हमारे बच्चे के साथ में हम अपने बच्चे के दही लेने भेजने हमारी दोनों बेटियां गई, छोटी और बड़ी। इसके बाद में 2 मुंडे आए मोटरसाइकिल से और मुंडे हमारी बेटी की धक्के नाल खींच के बैठा के लेके भाग गए जी। सारी रात हमारे बेटी के मोटर पर रखें जी। इसके बाद में पता नहीं कहाँ लेके गए जी हमारी बेटी की। हाँ जी, फिर हमारी बेटी 1 बजे हमारे पास में पहुंची। हाँ जी, इसके बाद में पुलिस के हवाले में अपनी बेटी कह दिया। पुलिस वाले हम के लिए आए यहाँ कचहरी में लेके आए, पता ना कहाँ लेके आए। हाँ जी, सदर थाने में लेके आए जी। इसके बाद में पुलिस वाले बोले हमारी बेटी के दखल कराओ मोइना, तो एक आदमी कोई बात नहीं हो, आप अभी दखल मोइना नहीं होएगा, अभी तो जहाँ अच्छा लगेगा आपको बताऊँगी, जहाँ खराब लगे आपको, जहाँ खर्चे आएगा आपको दस दूँगी, जहाँ अच्छा बनेगा आपको दस दूँगी, अभी कुछ मत करना। हम कह ठीक हो जी। हाँ जी, हमारी बेटी चाहे इंसाफ मिले जाए, हमारे हमारी गरीब बंदे की सुनाई नहीं होते वीर जी, हम तो गरीब बंदा है जी। ना जी, हमारी सुनाई कुछ नहीं होते जी। हाँ जी, वो मैडम बयान दे रही गलत बयान का, उसकी माँ हराम हो गलत बयान लो जी। हाँ जी, कौन बोलती है? जो आप अंतर में ये होगा बलमिंदर नाम का ना, जो बयान लिखा ले रही हमारी बेटी की उसमें। हाँ जी, हाँ जी गलत। हाँ जी, कह दो हाँ धमका दो, कह दो हमारी बेटी को बोलता हो, कह दो उसकी माँ तो हराम बड़ा गलत बयान लिखूंगी, सही बयान नहीं लिखना मैं। कितने रोज हो गया जो आज लेके आए हॉस्पिटल में अपनी बेटी को, कितने दिन की बात है? परसों की बात है कि परसों हमारी बेटी गायब होगी जी, परसों गायब होगी, कल 1 बजे हमारे पास में आएगी हमारी बेटी जी। हम परसों गायब ही पुलिस वाले को फ़ोन किया, पुलिस वाले कहा था तुझे इतनी बला मत आओ, कोई है नहीं चौकी पर, तुझे सुबह आना था। सुबह हम गए, फिर इसके बाद में बैठाएँ चौकी पर, कहें तुझे बैठो, कहाँ बंदा लप हेरने गए हैं पुलिस वाले थोड़े हैं जी। फिर पुलिस वाले गए, फिर बाद में पता नहीं क्या बना क्या नहीं बना, हमारी बेटी जो हमें बोली जाओ। हाँ जी, फिर जाओ कहा था नहीं, बोलते हैं जाओ आप रोटी खा के आओ, फिर हम लोग के जाओगे रोटी, वो बोलते हमारी बेटी के तुम्हारी लड़की गलती है, हम क्या हमारी बच्ची तो नाबालिग, हमारी बच्ची केड़ी गलती है जी। हाँ जी, कितने लड़के थे वो जिसने रेप किया? दो लड़के रहे जी, जो लड़के दो लड़के रहे, तो वो जो रेप किया था एक लड़का नहीं किया, एक लड़का किया जी, जो अमन नाम का लड़का रहा वो किया जी। अमन नाम हमारे लड़की के कपड़ा ख़राब होगा, वो हमारी लड़की का कपड़ा पता नहीं कहाँ फेंक के, जो अमन के कपड़ा अपना डाले रहा वो हमारी बेटी का कपड़ा पहना दी। यही मांग कर रहे हैं सरकार तो, भी बातों बातें इन्होंने सजा मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए। एक सुखे वाला जी, एक कबे फुट का जी। हाँ जी, पहले ही बच्चियाँ दही दूध लेने जाती है दुकान पर? ना जी, पहला नहीं कदे गई है, डेयरी चो ले आउंदियां ने, उधर डेयरी बंद थी, फिर अड्डे ते बाकी है। अच्छा, अड्डे ते चली गई है। दोनों बच्चियां थी, फिर दूसरी बच्ची ने घर आके दस्या था? हाँ जी, और रोंदी रोंदी घर आई है, आके उन्हें अपनी मम्मी ने दस्या भी जासमीन नु तां मम्मी कुट के लै गए मोटरसाइकिल ते बिठा के। हाँ जी, उस तो बाद फिर असी अपने साडू नु फोन करिया, साडू और मेरे घर वाले उन्हें लभ लभ के किते नहीं लभी बच्ची, आके मैंने दस मेरी ड्राइंग करी थी, मैं पिया थी, मैं जद फिर उठ के पुलिस को फोन लाया 1:30 बजे, वो कहते हूँ नहीं कोई हल हो सकता, तुम सवेरे आयो 8-9 बजे थोड़ा सवेरे हल करांगे। हाँ जी, असं जाके गए जी उ, फिर वो कहते
रिपोर्ट लिख ली जी, उन्होंने आपकी कार्रवाई शुरू करती जी। बच्चों कहना कहना लड़की का बयान लै कहना, हाँ जी मैं पुलिस वाले नूं कहना जी, हाँ जी वो गुड्डी नूं डराउण लग गए जी। वह मैडम जी बयान लै रही थी, कहनी तू झूठ बोलदी आ, कहनी एक गलबात नहीं। हाँ उस बाद मैंने मेरे घर वाले जाके वो गल पै गई भी सारी तो खून ना लिबड़ी पई आ, तेनू दिखता नहीं है तेरिया अखा नहीं है तेरिया अखा फुटिया ने तेरिया। हाँ जी मेरे घर वाली गल पै गई, फिर उन्होंने गाला क्ढन लग गई मेरे घर वाले नूं जी। वो मैडम हाँ जी हाँ जी, फिर असी पुछया एस एच ओ साहब नूं और गुरप्रीत साहब सिंह नूं भी बच्ची नूं दाखिल करा दिए, कहिंदे नहीं नहीं तुसीं चौंकी चलो, कहिंदा उत्थे बयान लिखने ने। कहिंदे 24 तरीक का 8:30 बजे का टाइम सीगा जी, दही लैन गई ने जी। हाँ जी उस बाद फिर ये बच्ची लभद ही रहे जी। चल पुलिस वाले कहने भी हुण रात को कोई हल नहीं हो सकता, 1:30 बजे तुसीं सवेरे आयो, सवेरे थोड़ी रिपोर्ट लिखी जाऊगी। साड़ी रिपोर्ट लिख के इन्होंने आपकी कार्रवाई शुरू करती जी। उस बाद बच्ची बरामद तो हो गई जी 25 तरीक न जी। 24 का बाका होया, 25 बरामद तो हो गई जी। 26 हाँ जी ना जी, गुड्डी घर चली गई रोंदी रोंदी, ब्लड नाल अपने कपड़े लबड़े लबड़ाए। वो कहने उरे चौंकी च लियाओ, अस चौंकी च कदे, फिर कहते उरे थाने च लियाओ सादर च। जब कोई ना कोई हल होया जी, पुलिस ने कोई गल ना राह पाई जी, असी फिर अज 26 तरीक नूं सवेरे 8 बजे गुड्डी नाभे एमरजेंसी च दाखिल कराती जी। असी सरकार तो यही मंग करते हैं भी इन्हों फांसी का फांसी की सज़ा होनी चाहिए जी। मैं आया, मैंने फोन कर इन्होंने 8 बजे 8:30 बजे मैं आया पिंड, इन्होंने मैं फोन कराया भी बच्ची गायब होगी। मैं आया जाके देखा पता कराया, ये कहते भी दो मुंडे थे, जी मेरी छोटी भतीजी आने दस मैंने चाचा जी ए करके गल आ, ठीक है भी असं दही लैन गई दी भी मैं बाहर कड़ गई, बाहर कड़ गई वो अंदर दही लैन भागी, उन्होंने बिठाया मोटरसाइकिल कूड़े हाथ से फट के पार गए लैके दो मुंडे। असी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी जी, कारण की पता जी हूँ, कारण यह पुलिस वालों पता होना चाहिए भी क्यों नहीं करी। कल फिरी गए, कल कुड़ी आई साढ़े को 1 बजे, ठीक है जी उम्म भी फिरी गए अभी लैके सादा थाने से ना, ठीक है फिर उन्हें पूछा भी दसो जी हूँ दाखिल करिए, ये कहने नहीं ये करनी नहीं भी उत्थे आज गुलवट्टी आप बयान लेने दे, ठीक है गुलवट्टी लै गए उतो, फिर नहीं कोई साड़ी सुनवाई हुई, फिर घर आ गए। हाँ फिर घर आ गए जी, घर आ गए अभी फिर बेचारी का उही हाल जवागड़ी का, कल की परसों की हुई अज लिया जी, आप दाखिल करिए लिया गए। हाँ आप दाखिल करिए जी, इन्होंने घट फांसी होनी चाहिए मुंडे भेजते सके। दो बच्चिया ने घर, एक बच्ची मदर के नाल बड़ी, तो बच्ची दही लैन गई आ, कहते भी दही लैन गई ने दोवे बच्चे, छोटी भी गई आ। बड़ी बच्ची जी 13-14 साल की आनू मोटरसाइकिल उत्ते बिठाया धक्के जा कोई लालच दिता मोटरसाइकिल अज गड्डी ये नहीं हले कन्फर्म होया, हले बच्ची डरी हुई आ बहुत ज़्यादा। तो हूँ अगे जो उन्होंने मुंडिया ने तो उन्होंने बस चाड़ता उन्होंने मतलब रिकवर करी आ, रिकवर कर बच्ची भी रिकवर करके एमरजेंसी लिया की जगह पर इन्हों घर पहुँचाती, रोंदी गई है खून नाल कपड़े लिबड़े हुए सके। कहते पुलिस ने यह दस देने, पुलिस ने कोई सहयोग नहीं करया, कहते भी करते हैं देखते हैं, तो कल तुम आयो फिर दाखिल करावे, अरे इंचार्ज नहीं है, तो जाने कोई लगता नहीं कोई, पुलिस ने अगे देखो सहयोग कर दी अजे। कितनी उम्र है बच्ची की? बच्ची की उम्र 14 साल, 14 में लगे हुआ 13 साल की है। अच्छा घरों चाके लेके मुंडे एक ना ना जी घरों नहीं, अड्डे तो दही बस स्टैंड बने हुआ साढ़े मतलब गलवट्टी पिंड। दसनयोग है कि परिवार ने पुलिस से सुनवाई ना करने के दोष लगाया, जिस संबंधी जदों पुलिस के सब इंस्पैक्टर संदीप कौर नाल गलबात की तो उन्होंने कहा कि लड़की का मैडिकल करवाया जा रहा है और मैडिकल की रिपोर्ट तो बाद ही असल सच्चाई पता चल सकेगी। मैंने जी अपना इन्फॉर्मेशन मिली थी कि लड़की का एवं केस आया, मैं जस्ट वह मैडिकल करवा रही हूँ लड़की का। कितनी उम्र है लड़की? अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड लड़की की 14
साढ़े 14 साल है। उन्होंने मापिया का कहना कि पुलिस ने सानू सहयोग नहीं दिता भी अभी दो दिन तो भड़कते फिर अज अभी आप खुद लेके आए हैं। देखो जी एफ आई आर 363 366 ए अंदर रजिस्टर हुई हुई है, लड़की मिली है, हूँ मेडिकल हो रहा है। मेडिकल डॉक्टर कर रहे हैं जी, असं जस्ट एप्लीकेशन मेडिकल चल रहा है। हाँ जी मेडिकल चल रहा है जी लड़की का। मैं कह रही हूँ जी मेडिकल लिए एप्लीकेशन मूव की है, एडमिट हुई है लड़की, मेडिकल हो रहा है। उस तो बाद मेडिकल हो जा दो जी पहले लड़की का, ठीक है जी। उस तो बाद नैक्सट प्रोसीडिंग शुरू हुई। एस आई संदीप कौर। सरदार भिंदर सिंह है लड़की जैसमीन के फादर वासी गलोटी, जो 25 तरीक ने उन्होंने सानू पुलिस ने जी इनफॉर्मेशन दी थी उन्होंने लड़की जी जैसमीन घरों जी दही लैन वास्ते लोकल बाजार से गई थी, तो उतों जो दो मुंडे थे गुरध्यान से मनदीप उन्होंने उन्होंने लड़की जरा अगवा कर लिया है, तो जिसते मिनटो मिनटी पुलिस सदर थाना के SHO गगनदीप ने मिनटो मिनटी अपनी सारी पुलिस पार्टी इकट्ठी की, चौंकी चार गलवटी ना लिया, तो उन्होंने मोबाइलों की लोकेशन वगैरह जो जो भी उन्होंने सोर्स से लड़की भी बरामद कर लिया उन्होंने अपना 2-3 घंटे के जोड़े दोषी सके उन्होंने बारे भी उन्होंने सुराग ला लिया, तो लड़की को सही सलामत जोड़ा है पेरेंट्स के हवाले किया। उस तो बाद जो साढ़े उन्होंने जोड़ा FIR दर्ज की गई 176 नंबर 376 363 366 पोस्ट कोड थाना सदर विखे, तो उदो बाद लड़की को मैडिकल कराने के संबंध में साढ़े जोड़े SI संदीप कौर ने, क्योंकि उन्होंने वालों फिर तफ्तीश शुरू होनी थी, उन्होंने फिर हॉस्पिटल दाखिल कराया गया, तो जोड़ा उन्होंने अज मैडिकल होगा, तो उदो बाद जो 364 दिनों के जोड़े अपना लड़की के बयान ले जाएंगे। जोड़े दोषी ने दोहे वो पुलिस ने बड़ी मेहनत न अपना अपने सोर्स तक गिरफ़्तार किए जा चुके हैं, ये कोई ऐसी गल नहीं है जी पुलिस ने नैगलीजेंस की हो, क्योंकि दोषी लभने तैनूं पता बड़े औखे होंदे आ, बट फिर भी SHO सदर ने अपनी टीम नाल जिहड़े हैगे आ अपने सोर्स लग ते होर जिहड़े टैक्नीकल सिस्टम नाल लड़की नूं अते जिहड़े दोषी ने गिरफ़्तार किया गया। लड़की गलवट्टी दी रहिण वाली सी, 14 साल दी एज हैगी आ, जिहड़ा इक लड़का उहदी 19 साल उम्र आ ते दूसरे दी 26 साल उम्र आ। लड़का इक सुखेवाल दा है ते इक जिहड़ा हैगा अपना अभेपुर दा। अजय फ्री ने पर यह जो पता लग्या भी लड़की पहला जान पछाण से इन्होंने लड़के की जो मनदीप है वो जान पछाण से। हाँ जी वो तो जो लड़की पहले उन्होंने जिम्मे दसिया पुछ की लड़की क्योंकि लड़की जी छोटी भैन आ जी लड़की जैसमीन आ जो साड़ी हुण तफ्तीश सामने आ लड़की की छोटी भैन ने ही दसिया फलाने फलाने जो लड़के ने उन्होंने चली गई थी करके बैठ के चली गई। छोटी भैन ने दसा ना पुलिस को ही पता लगे भी कौन लैके गया तो वो लड़की छोटी जी है दसन के मुताबिक ही जी जैसमीन फलाने फलाने लड़के चली गई थी। नहीं अजय पहली बार है, एक तो लड़का अजय 19 साल का, बाकी रिकॉर्ड चैक भी कर लेने देख लेना फिलहाल तो अभी कोई इन्होंने जोड़ा है। सरकारी हस्पताल नाभा की डॉक्टर ने दसिया कि 24 तारीख का यह मामला है, इस लड़की का मेडिकल किया जा रहा है, रिपोर्ट आने तो बाद ही पता चल सकेगा। साढ़े को 14 साल की कुड़ी आई है, ये 24 तरीक न रात 8 बजे सैक्शुअल असॉल्ट होया सीगा, ते कुड़ी के अनुसार उन्होंने नहीं पता कि कौन सी उन्होंने जबरदस्ती कित लैके गए थे, बाकी अपने अज उहदा पूरा मेडिकल ते सैंपल्स लै चुके हैं, उहदा एग्जामीनेशन कर लिया, तो बाकी जिहड़ी रिपोर्ट है वो जदों एग्जामीनेशन का रिजल्ट आजूगा टेस्ट का रिजल्ट आजूगा उस तो बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्योंकि पुलिस वाले अज ही साढ़े को लेके आए हैं, 24 नूं लेके आए, अज ही जदों ही पुलिस वाले साढ़े को लेके आए हैं असी उस टाइम ही उहदा मेडिकल शुरू करता सी। D5 चैनल पंजाबी लिए नाभा तो गुरतेज धोवी की रिपोर्ट। होएगी किसानां दी गल, नवी खेती मशीनां बीजां ते बागां दी गल, लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 बजे D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत,
जमीन जायदाद के हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com T5 चैनल पंजाबी। हुणे सब्सक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।